नमस्कार, ये है नरेन इलेक्ट्रिक्स का सिंगल फेस ऑटो स्टार्ट यूनिट मॉडल COnt, मॉडल क्वांट बुलाते हैं इसको। तो ये सभी सिंगल फेस मोटर स्टार्टर्स के लिए 1 HP से लेकर 3 HP तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका काम ये है कि जब भी लाइट आती है, सो लाइट आने के बाद 10 सेकेंड तक सप्लाई को चेक करके 10 सेकेंड के बाद मोटर को अपने आप चालू करके दी। तो लाइट आते ही मोटर को अपने आप चालू करने के लिए नरेन ऑटो स्विच मॉडल COnt को यूज़ कर सकते हैं। ये सभी सिंगल फेस बोरवेल स्टार्टर्स के लिए, सो 1 HP से लेकर 3 HP तक सभी स्टार्टर्स के लिए ये फिटिंग हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कनेक्शंस रहेगा। अभी देखिए, हम देखते हैं सिंगल फेस स्टार्टर के लिए नरेन ऑटो स्टार्ट यूनिट मॉडल क्वांट को कैसे कनेक्शन करना है बोल के। तो नरेन ऑटो स्टार्ट यूनिट मॉडल COnt में आपको 6 वायर्स रहेगा। तो फर्स्ट होगा रेड एंड येलो, नेक्स्ट होगा आपको 2 ग्रीन और 2 ब्लैक कलर का वायर्स। तो आपका स्टार्टर कनेक्शन दिखाने के लिए हम नरेन सिंगल फेस कंट्रोल स्टार्टर मॉडल SPRG को इस्तेमाल कर रहा है। तो स्टार्टर यूजुअली स्टार्टर ऐसे रहेगा आपको देखने में, तो एक ग्रीन बटन और एक रेड बटन होगा मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, जो एनालॉग मीटर्स भी रहेगा यूजुअली। तो स्टार्टर के अंदर आप अगर देख सकते हैं तो आपको इनकमिंग फेज एंड न्यूट्रल का कनेक्टर्स रहेगा इनकमिंग साइड में, और मोटर साइड में RYB का कनेक्टर्स होगा मोटर एंड। ओके, तो अभी हमारा ऑटो स्विच में ऑटो स्टार्ट यूनिट मॉडल COnt में आपको रेड और येलो का वायर होगा। फर्स्ट इसको 220 वोल्ट सप्लाई के लिए कनेक्शन करना है। सो 220 वोल्ट सप्लाई हम जो भी स्टार्टर के लिए इनपुट जो आएगा, सो इनकमिंग फेज एंड न्यूट्रल, उसी पॉइंट से हम 2 वायर्स ज्वाइन करते हैं, ताकि अब स्टार्टर के साथ हमारा यूनिट ऑटो स्टार्ट यूनिट के लिए भी सप्लाई इधर से ही आएगा। उसके बाद आपको 2 ग्रीन वायर और 2 ब्लैक कलर का वायर्स रहेगा। तो अभी अगर आप सिंगल फेस स्टार्टर का ऑन बटन के पीछे देखें तो आपको होगा 2 एलिमेंट्स। तो हमारा बुश बटन में आपको है ग्रीन कलर का एलिमेंट और ब्लैक कलर का एलिमेंट। तो आपका स्टार्टर में भी 2 एलिमेंट्स तो 100% होगा। तो एक होगा कॉइल वाला एलिमेंट और दूसरा होगा कैपेसिटर वाला एलिमेंट, जिसको कंडेंसर एलिमेंट भी बुलाते हैं हम। हर एलिमेंट को आपको दो स्क्रूज रहेगा। सो एक कॉइल एलिमेंट का के नीचे 2 स्क्रूज होगा और कैपेसिटर एलिमेंट के ऊपर भी 2 स्क्रूज होगा। ये एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल भी प्लेस कर सकते हैं, नहीं तो वर्टिकल भी होगा कभी कभी स्टार्टर्स में, ये वर्टिकल भी होता है। तो आप सिर्फ थोड़ा आइडेंटिफाई करना है कौन सा कनेक्टर्स एक एलिमेंट का है बल्कि। सो एक कलर का वायर एक ही एलिमेंट को जाना है। तो अभी समझ लीजिए, 2 ग्रीन कलर का वायर सिर्फ एक एलिमेंट को जाना है और 2 ब्लैक कलर का वायर दूसरे एलिमेंट को जाना, पर एक कलर सेट उसी एलिमेंट के लिए कनेक्ट करना है। तो कनेक्शन अभी हम 2 ग्रीन कलर का वायर लेंगे। ये 2 ग्रीन कलर का वायर को एक एलिमेंट के लिए कनेक्शन करना है, इसको पैरेलल कनेक्शन बुलाते हैं। सो जो भी वायर्स ऑलरेडी आया हुआ है, कोई वायर निकालने का ज़रूरत नहीं है, जो भी वायर से उसके ऊपर ही एक पॉइंट में ग्रीन कलर का वायर, दूसरा पॉइंट में दूसरा ग्रीन कलर का वायर ज्वाइन करना। सिमिलरली आप दूसरा साइड भी, दूसरा एलिमेंट के लिए भी 2 ब्लैक कलर का वायर्स जो भी होगा, जो भी ऑलरेडी वायर्स है उसके ऊपर 2 वायर्स कनेक्शन करना है। ओके, तो ये है बहुत सिंपल सा कनेक्शन, इसको पैरेलल कनेक्शन बुलाते हैं। तो सिर्फ ऑटो स्टार्ट का काम यही कि लाइट आते ही मोटर को अपने आप चालू करके देना, बस उतना ही इसका काम रहेगा। तो जब भी लाइट आता है तो लाइट आने के बाद 10 सेकेंड तक वेट करके मोटर को चालू करके देंगे। तो हमेशा ऑटो स्विच के ऊपर जो भी स्विच है, ये स्विच हमेशा ऑन पे रखना है। अभी पावर तो नहीं है, तो अब हम पूरा ऑपरेशन देख लेंगे। अभी पावर ऑन करेंगे मेंस को। ऑटो स्विच का स्विच हमेशा ऑन पे रहना। ऑन होते ही आपको मेंस ऑन पर लाइट जलती है, तो उसके बाद 10 सेकेंड्स तक काउंटिंग होके मोटर अपने आप चालू होगा। देखिए मोटर चालू हो गया। तो इसके अंदर एक 2 पोल का कॉन्टैक्टर रहेगा, इसके हिसाब से और कैपेसिटर स्विचिंग भी आसान से हो जाएगा। और नरेन ऑटो स्टार्ट मॉडल COnt में 2 वर्शंस होगा, एक होगा 1-3 HP का और दूसरा होगा 1-5 HP। सो सिर्फ कॉन्टैक्ट का ही फर्क है दोनों में। तो 5 HP वाला में थोड़ा हेवी ड्यूटी कॉन्टैक्टर्स तो होगा। तो बहुत सिंपल सा यूनिट और बहुत इफेक्टिव यूनिट। कभी कभी अभी तो पावर फेल्यूर्स बहुत ज़्यादा है, तो जब भी पावर लाइट जाके आती है तो मोटर को अपने आप चालू कर रखती है। तो इसके हिसाब से आपको जो भी कितने भी देर आपको पावर सप्लाई है, उतना पूरा टाइम आपको मोटर चलता रहेगा।
तो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज भी है 150 टू 250 वोल्टेज, तो जब भी वोल्टेज 150 से नीचे आएगा तो कॉन्टैक्टर फोल्ड नहीं होगा, तो इसकी वजह से मोटर चालू भी नहीं होगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज है 250 वोल्टेज। वीडियो सभी क्लियर है बोल के सोचता हूँ, माफ़ी कीजिए मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो जो भी है मैं कोशिश तो कर रहा हूँ समझने के लिए। और आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9972234374। रिपीट करता हूँ, 9972234374। अगर आप प्रोडक्ट आपको चाहिए तो हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और आप हमारा वेबसाइट भी ब्राउज़ कर सकते हैं www.narainelectrics.in। रिपीट करता हूँ, हमारा वेबसाइट है www.narainelectrics.in। हमारा वेबसाइट में आप प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को आपको 6 महीना वारंटी भी रहेगा, तो वारंटी में कुछ भी हो हम आपके लिए रिपेयर भी कर सके देंगे। वारंटी के बाद चार्जेबल बेसिस में प्रोडक्ट रिपेयर हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट कीजिए, कुछ डाउट्स हैं तो भी कॉन्टैक्ट कीजिए, अगर प्रोडक्ट आपको चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह है नारायण इलेक्ट्रिक्स कंपनी।